तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दानिश और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। सुबह जो टाइम हो रहा है शाम के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं खड़ा हूं डिस्ट्रिक्ट लबन में। डिस्ट्रिक्ट लबन क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लबन सिंह मैं आप लोगों को बता दूँ कि सऊदी अरेबिया में जो है ना डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, 2-3 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं अभी रियाद में खड़ा हूँ एग्जिट 33 नंबर पर। तो मैं अभी आया था अपनी मैडम को छोड़ने के लिए। मैडम क्या जो खालिद की वाइफ है उसको छोड़ने के लिए आया था। जैसे कि आप लोग, मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर ऐसा होता है ना कि एक ड्राइवर रख लेते हैं और पूरे जवार में घुमाते हैं, मतलब कि पूरे ख़ानदान में काम करवाते रहते हैं। तो ऐसा तो मेरे बुड्ढे की 2 बहुएँ हैं, तो दोनों काम मुझे ही करना पड़ता है। अभी घर पे लड़की आई हुई है, लड़के के जामा वगैरह मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है, बुड्ढी को भी लेके मुझे ही घूमना पड़ता है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं आया था बुड्ढे की बहू को छोड़ने के लिए। तो मैं अभी आया था लबन में, तो मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ वापस अजीज़िया, क्योंकि आज अजीज़िया में क्या है, मेरी बुड्ढी की जो है मामा रहती है, मेरी बुड्ढी की मामा का घर है, मेरी बुड्ढी के बाप का घर है। तो मेरी बुड्ढी जो है ना वो अपने लड़के के साथ चली गई है, तो मैं जाऊँगा वहाँ रहूँगा रात, मतलब कि 3-4 बजे तक वहाँ रहेगी। उसके बाद 3-4 बजे उसको मैं लेके घर वापस जाऊँगा। आज था जुम्मा, आज कोई काम नहीं था क्योंकि 2 दिन अब छुट्टी है, आप लोग जान रहे हैं। तो इतने दिन से बहुत ज़्यादा ड्यूटी पड़ रही है मुझे, ड्राइवर का काम ही है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सुकून भी तो ज़रूरी है ना, हर इंसान के लिए सुकून ज़रूरी है। तो मैं अभी लबन में खड़ा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अजीज़िया, यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाऊँगा, उसके बाद वहाँ रुकूँगा, 3-4 बजे मेरी बुड्ढी जाएगी। आज था जुमा, जुमा और शनिचर को 2 दिन छुट्टी रहेगी इब्राहिम की, 2 दिन ड्यूटी कम रहेगी। आज जुमा, 1 दिन निकल गया, कल शनिचर, कल भी निकल जाएगा, परसों से फिर सुकून ख़त्म। तो एनीवेज पूछते हैं आप लोगों से, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भी अच्छा है, आप लोग की दुआएं, आप लोग के प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को बाद में। और डिस्ट्रिक्ट लबन में एक चीज़ और है, आप देखिए यहाँ पर विलास बहुत कम है, विला नहीं है यहाँ पर, जो भी है सारे बिल्डिंग्स हैं, मतलब कि बिल्डिंग बोले तो अपार्टमेंट। तो यहाँ पर बिल्डिंग ऐसा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं जो आपने यहाँ पर सऊदी में बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं, वो बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एरिया होता है, वहाँ पर ऑफिसेज वगैरह, हेड ऑफिसेज वगैरह होते हैं। जो रहने वाली बिल्डिंगें होती हैं वो 3 माले की लास्ट होती है, 3 माला, 4 माला, 4 माले के ऊपर मैंने बिल्डिंग नहीं देखी यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरा अपार्टमेंट एरिया है, ये 33 नंबर है, यहीं पर मेरी बुड्ढी की बहन भी रहती है, तो वो भी अपार्टमेंट में ही रहती है। तो अभी सऊदी अरेबिया में भी अपार्टमेंट चलने लगा, क्योंकि यहाँ पर भी अमीरी की गरीबी होने लगी है। पहले क्या था, हर इंसान गवर्नमेंट जॉब करता था तो उसको अच्छा पैसा मिलता था, तो वो लोग अपना अपना घर खरीद लेते थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ के घर हैं महंगे महंगे और जॉब है प्राइवेट, तो प्राइवेट जॉब में तुम क्या कर सकते हो, या तो आप रेंट पे ले सकते हो, या फिर अपना लोगे तो फिर अपार्टमेंट लो, या फिर अगर ज़्यादा पैसा है तो फिर विला लो। तो मेरा बुड्ढा जो है ना, तो गाइस जिस घर में मैं रहता हूँ ना, मेरे कफील का जो घर है, ये घर मेरे बुड्ढे ने 32 साल बाद ख़रीदा है, 32 साल बाद, शादी से ले के अभी 1 साल पहले तक वो किराए के घर पर रहता था, जहाँ पर मैं पहले गया था। जब मैं आया था सऊदी अरेबिया, मैं अपने पुराने वाले घर पर था, पुराना घर जो था वो किराए पर था, तो वो भी समझ लो अपार्टमेंट ही था, क्योंकि नीचे दूसरे लोग रहते थे, ऊपर मेरा कफील रहता था। ऐसा है यहाँ पर, मेरे कफील अगर गवर्नमेंट जॉब ना होती शायद वो भी ना ले पाता था नया घर। लड़के की शादी हुई तो लड़के ने बोला मुझे घर लेना ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शादी के बाद अलग घर में ही रहते हैं, तो उसने बोला मुझे घर लेना ही है, तो तुम घर ले लो, जो ऊपर का अपार्टमेंट है मैं ले लूँगा। तो ऐसा हुआ, तो मेरे बुड्ढे ने, मेरे कफील के लड़के ने और कफील ने मिल के एक घर लिया है। तो जो ऊपर सिक्का है, जहाँ पर एक हॉल और 3 रूम है, हाँ 3 रूम है और किचन बाथरूम वगैरह है, तो उसमें रहता है मेरा कफील का लड़का, और जहाँ पर मेरा बुड्ढा रहता है वो तो पूरा घर है। यहाँ पर भी गरीबी आने लगी है, मतलब कि गरीबी क्या, देश में गरीबी नहीं आ रही है, लेकिन लोग जो है प्राइवेट जॉब करेंगे तो उतना पैसा कहाँ मिल पाएगा, तो ये सीन है। अभी मुझे यू टर्न मारना पड़ेगा, मैं अभी दहरी पर आया हूँ। आज ऐसा है कि मैं मेरे घर से जो 33 नंबर है, लगभग 38 किलोमीटर 39 किलोमीटर है,
आज मुझे आधे घंटे 35 मिनट लगा यहाँ पर आने में, वरना अगर मैं नॉर्मल डे में आता, ट्रैफिक देख रहे ना आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, अगर मैं नॉर्मल डे में आता ना, नॉर्मल डे में, तो मुझे पक्का 1 घंटे से 45 मिनट 50 मिनट लगता है, लेकिन आज मैं 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में आ गया। ट्रैफिक देख रहा आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, पता नहीं क्यों, जबकि आज जुमा है, जुमेरात जुमा को ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यहाँ पर नहीं है लेकिन अजीजिया में पक्का ट्रैफिक होगा। मैंने बोला ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक चालू हो गया। सो गाइस, अपने भाई को जानते हो ना तुम? नहीं जानते कि नहीं जानते? अगर तुम्हारे भाई ने कुछ प्रेडिक्ट कर दिया, अगर कुछ किस चीज के बारे में कुछ बोल दिया, तो वो होना ही होना है। कैसे? देखो, थोड़ी देर पहले बोला था कि अजीजिया जब आएगा तो वहाँ पर ट्रैफिक होएगा, अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, देखो ट्रैफिक चालू हो गया। अच्छा, ट्रैफिक कैसा? देखो रोड की स्पीड देखो, खाली 10, 15, 20 के ऊपर नहीं जाएगी, और ऐसे ही ट्रैफिक जब तक नेस्तो नहीं आ जाएगा तब तक की ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा। एक जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर अगर वो सही दिमाग लगाए और सही से रोड को ध्यान दे, तो आप एक महीने में आप अपनी जितनी रियाद की जितनी भी रोडें हैं, आप रोडों को तो याद कर ही लेंगे, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ निकलेंगे, पूरा रियाद याद कर सकते हैं, प्लस कहाँ पर कब किस जगह पर ट्रैफिक मिलेगा ये भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि रियाद की एक खासियत है कहाँ कहाँ पर कब कब ट्रैफिक लगना है उसका एक टाइम होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अजीजिया में शाम के टाइम पर ट्रैफिक होना ही होना है, और ऐसा नहीं कि जाने में ही सिर्फ, जाने में भी आने में भी दोनों टाइम ऐसा होता है, और सुबह भी होता है, आई डोंट नो व्हाई लेकिन होता है। देख रहे हो, जब मैं चला था तो मुझे चल के 40 मिनट हो गया है, अभी तक मैं चल ही रहा हूँ। फाइनली हाईवे छूट गया, ऐसा है पका दिया यार इस ट्रैफिक ने तो मुझे आज। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो आए हैं परदेसी, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। गाना अच्छा लगा थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद। सो हेलो गाइस, गाइस अभी टाइम हो गया है, रात के 4 बज गए हैं, और मैं अभी अपनी मैडम के साथ घर आ गया हूँ। तो अभी क्या है, लग रही है भूख, क्योंकि भाई साहब आज खाना नहीं दिया, या खाना नहीं दिया कि मतलब कि वैसे तो अक्सर देती हैं, लेकिन अभी नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ड्राइवर हैं और मेरी आदत नहीं बोलने की, अगर आप लोग कभी आ रहे हो तो आप लोग अगर बोल सकते हो तो आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप बोलेंगे तब तक आपको वो कंटिन्यूसली अपने मन से देंगी नहीं। अब मेरा क्या है, मुझे कभी देती हैं कभी नहीं देती हैं, ठीक है मेरी आदत नहीं बोलने की, अगर मैं शुरुआत से बोलता था तो मेरा कोई बोलने का हक भी बनता था, और अगर उसने बोल दिया कि भाई तुमको पैसे देते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई बोल देता है। एनीवेज आज एक मसला हो गया, मसला ये हो गया है, तो आज मैं शाम के टाइम जो अपने कफील को उनकी मामा की वहाँ छोड़ने जा रहा था लगभग मगरिब के बाद, तो उन्होंने आज मुझे एक चीज़ बताई, ये चीज़ बताई याद, मतलब कि कुछ दिन पहले मेरे गाड़ी पर और मुझ पर मुखालफा आया था, मुखालफा मैंने आप लोग को शायद बताया था अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, कि मेरी गाड़ी को स्पीड लाइट का फ्लैश पड़ा था, फ्लैश इसलिए पड़ा था कि मैं उस दिन थोड़ा मेरा दिमाग ख़राब था, मेरे साथ लड़की बैठी थी, मैं दिन भर ड्यूटी करा था, और मैं शाम को जब इब्राहिम को छोड़ने के लिए गया था तो मेरे साथ लड़की फिर चली गई, और मेरा उस दिन दिमाग ख़राब हो गया, दिन भर किया ड्यूटी, अब रात में 11 बजे फिर मेरे साथ चली गई, अब कब आएगी वापस, तो मेरा दिमाग ख़राब था। उस रोड की स्पीड थी 90 की, मैंने चला दिया 100, आगे मेरे पर मुखालफा, 3 दिन तक मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं खुश हो गया था कि शायद मुखालफा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है,
मुखालफा आया था लेकिन मेरे कफील ने मुझे बताया नहीं था। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि मेरी गाड़ी पर मुखालफा आया था जो कि मैंने पार्किंग की थी नो पार्किंग में। एयरपोर्ट के सामने पार्किंग नहीं कर सकते हो, मैंने कर दी थी पार्किंग, मैंने पार्किंग वहाँ पर कर दी थी। तो अब उसमें गलती मेरी नहीं थी क्योंकि मैं अक्सर इब्राहिम से बोलता था कि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा होऊंगा तो पुलिस वाले फ़ोटो खींच लेते क्योंकि दो बार मेरी फ़ोटो खींच चुके थे पहले ही। लेकिन उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुखालफा आया कि नहीं आया। तीसरी बार में जब मुखालफा आया गाड़ी का तो मुझे नहीं, इब्राहिम ने बताया कि गाड़ी यहाँ पर तुमने खड़ी की थी तो मुखालफा आया है। तो मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं पेट्रोल पम्प पर खड़ा होऊंगा, जब तुम बाहर आ जाना तब मुझसे बोलना, तब मैं आऊँगा अंदर। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद तब से मैं नहीं जाता हूँ, जब वो बाहर दरवाजे पे आ जाता है तभी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पर। लेकिन वो तीन बार का मुखालफा 150-150 करके 450 रियाल का वो हो गया था और 300 रियाल का मेरे पास 750 रियाल का मुखालफा आया है। उसको मुझे बुड्ढे ने आज बताया मुझसे। वैसे तो मुझे मालूम है मेरा बुड्ढा पैसा नहीं काटेगा, लेकिन मुझे डाउट है कि जो स्पीड मुखालफा है वो काट सकता है। उसकी वजह ये है कि स्पीड मुखालफा जो है वो मेरी गलती से आया है, लेकिन जो पार्किंग का मुखालफा है वो हो सकता नहीं काटे क्योंकि वो मेरी गलती नहीं है। भाई तुमने बोला 7 बजे आ जाओ, मैं 7 बजे आके खड़ा हूँ, अब तुम 7:30 बजे निकलोगे 7:45 बजे निकलोगे, वो मेरी गलती नहीं है। तुम जल्दी निकलो, मैं जल्दी आके खड़ा हूँ। अब तुमको अगर 7:30 बजे आना तो मुझसे बोलो 7:30 बजे आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ उतार सकते हो, पिक कर सकते हो, उसके अलावा आप रुक नहीं सकते हो। मुझे आधे आधे घंटे रोक दिया वहाँ पर, तो वैसे मुझे काटेगा नहीं क्योंकि उसके बाद सैलरी मिल चुकी है, अगर काटना हो तो सैलरी से काट लेता, लेकिन स्पीड मुखालफे का डर है। वैसे उसके बातों से तो नहीं लग रहा था कि काटेगा क्योंकि उसने बोला कि अब किस कौन भरेगा इसको, तो मैंने बोला ठीक है काट लेना, बोलता ये मत बोला करो मुझसे, तो अगर नहीं काटेगा तो अच्छी बात है, काटेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती अपनी है, उस दिन दिमाग ख़राब हुआ था। ठीक है, अभी मैं आया हूँ वकाले में कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लग रही है, शाम को मगरी के बाद निकला था, अभी 4 बज गया है, अभी आया हूँ मैं, तो चलते वकाले कुछ लेते हैं और वीडियो को उसके बाद इन करते हैं। तो मैंने अभी ब्रेड ली है और यहाँ पर देख रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर जो ये डब्बे वाले दाल वगैरह है, जो बीन्स वगैरह हैं, तो इनको पकाने में आसानी होती है, ये जल्दी पक जाते हैं, थोड़ा ये गले होते हैं, मसाला भूनो फटाक से डाल दो पक जाता फटाक से। तो देख रहा हूँ कौन सा, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। सो गाइस, सामान ले लिया है और अभी चलते हैं घर और करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि आजकल जो है मेरे जो नेट का है, नेट ख़त्म हो गया मेरे फ़ोन में और मेरे रूम का वाईफाई भी नहीं चल रहा है। भाई जब परेशानियाँ आती ना, मुसीबतें आती है तो हर तरफ से आती है। मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया, वैसे मेरा ख़त्म 25-26 तारीख को ही हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा था, मतलब जो डेटा दो तीन तरीके होता है, एक होता है सोशल मीडिया डेटा, एक होता है डेटा जो कि उसके लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप गूगल में कुछ करते हो उसके लिए। सोशल मीडिया वाला बंद हो गया था लेकिन गूगल वाला नहीं बंद हुआ था, तो अभी गूगल वाला भी बंद हो गया है। तो हो गया 15 दिन एक्स्ट्रा, 15 दिन बाद जब सैलरी मिलेगी तभी डलवाऊँगा, और VPN भी नहीं चल रहा है, क्या बोलूँ यार हर तरफ से। अभी चलते हैं घर और वीडियो को इन करते हैं, और वीडियो अपलोड करने के लिए पता नहीं रूम पर होएगी कि नहीं होएगी कि वाईफाई चल नहीं रहा है, उसके लिए बाहर आना पड़ेगा फिर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, मिलते किसी न्यू के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।